इस खबर के प्रायोजक हैं होटल लेक व्यू किशोर सागर तालाब के सामने छतरपुर। आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भी छतरपुर शहर के अनेक स्थानों में शिवलिंग दिखी, शिवलिंग निर्माण और अभिषेक की तस्वीरें दिखी, जहां एक और हिंदू उत्सव समिति ने कलेक्टर बंगले के पीछे नरसिंहगढ़ पूर्वा स्थित बम भोले मंदिर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण और अभिषेक के साथ साथ हवन पूजन का कार्य कराया, जिसमें मोहल्ले और समिति की महिलाओं सहित पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो वहीं महोबा रोड स्थित सिद्ध गणेश मोहल्ले में शिवलिंग निर्माण और रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ, जिसमें मोहल्ले की महिलाओं की अहम भूमिका देखने को मिली। जानकारी के अनुसार सावन मास के प्रत्येक सोमवार को छतरपुर शहर के अनेक शिवालयों में शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके अलावा घर मोहल्ले में भी इस तरीके से आयोजन पूरे महीने भर चलते रहते हैं, जिससे शिवजी की धुन पूरे शहर में एक महीने तक लगातार सुनाई देती है। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से राहुल माली की रिपोर्ट। ये सावन सोमवार चल रहा है, आज बम भोले मंदिर पर आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या प्रोग्राम हो रहा है? जी जी जी, कितने शंकर जी बनाए जा रहे हैं, क्या महत्व है शंकर जी बनाने का? कितने लोग, कितनी महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं? अच्छा, कुछ संख्या निर्धारित है शंकर जी कितने बनाना है? इसका बहुत महत्व बताया जा रहा है। ये दीदी, किस प्रकार से सावन सोमवार चल रहा है और क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है? तो कितने लोग सहयोग कर रहे हैं इसमें? सब लोग जी जी जी, तो सब लोग सहयोग कर रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं जी, चौबे कॉलोनी से भी। धन्यवाद। लगातार सावन सोमवार चल रहा है और हिंदू विश्व हिंदू परिषद जो आपकी है हिंदू उत्सव समिति, उसके द्वारा आयोजन कराया जा रहा है, आज किस प्रकार से ये आयोजन किया जा रहा है? ये पिछले 15 वर्षों से सतत सावन के सोमवारों को अलग अलग शिवालयों में शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम चलता आ रहा है, और उसी क्रम में आज ये सावन, इस वर्ष के सावन के दूसरे सोमवार को आज सोम प्रदोष भी है और बहुत अच्छा सर्वार सिद्धि योग भी है। तो इस उपलक्ष्य में ये 60वां सावन सोमवार पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं रुद्राभिषेक का कार्यक्रम बम भोले मंदिर नरसिंहगढ़ पूर्वा मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम शुरू हो गया था और अब थोड़ी ही देर में अभिषेक का कार्यक्रम शुरू होगा। रुद्राभिषेक के बाद हवन और उसके बाद विसर्जन पूजन के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम। कितनी संख्या में ये शिवलिंग निर्माण चल रहा है और कितने इसमें लोग श्रद्धालु लगे हुए? चूँकि हम लोग निरंतर ये 15 वर्षों से ये आयोजन कर रहे हैं, तो शुरुआत से ही संकल्प ये रहा कि चूँकि कार्यक्रम निरंतर ईश्वर की कृपा से सबके शुभकामनाओं से ये सतत चलता रहे, इसलिए हम लोगों ने इसमें संख्या कभी निश्चित नहीं की। असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण का ये कार्यक्रम शुरुआत से ही चल रहा है, कभी कोई गिनती हम लोगों ने नहीं की। तो ये भी कार्यक्रम लगभग 21 ऊपर अभी बन चुके हैं और ये अभी भी महिलाएं यहाँ आती जा रही हैं जो बना रही हैं, शिवलिंग निर्माण कर रही हैं। तो ऐसा करके करीब 2,51,000 इससे ऊपर ही लगभग शिवलिंग निर्माण हो जाते हैं।